अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा, इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और अल्फाज के माने भी याद होंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। लड़का, बॉय यानी लड़का, हु क्राइड यानी जिसने चिल्लाया, वुल्फ यानी भेड़िया। वंस अ लिटिल बॉय लुक्ड आफ्टर एवरीवन्स शिप इन अ विलेज। वंस अ लिटिल बॉय लुक्ड आफ्टर एवरीवन्स शिप इन अ विलेज। वंस एक दफा, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, लिटिल यानी छोटा, बॉय यानी लड़का, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करता था, करता था एवरीवन्स शिप इन अ विलेज, हर किसी की, एवरीवन यानी हर किसी की, शिप यानी भेड़, इन अ विलेज गांव में, इन यानी मैं। एवरी डे ही टुक द शिप अप द हिल। हर रोजाना, एवरी डे यानी रोजाना, ही टुक द शिप वो ले जाता था भेड़ को, अप द हिल पहाड़ी के ऊपर, अप यानी ऊपर, अप द हिल यानी पहाड़ी के ऊपर। There he sat under a tree. वहां he sat बैठ जाता था, under a tree, under यानी नीचे, tree यानी दरख्त। वहां वो दरख्त के नीचे बैठ जाता था and watched और देखता था। The sheep eat grass और भेड़ को घास खाते हुए देखता था वहीं से, दरख्त के नीचे बैठ के। ईट यानी खाना, ग्रास यानी घास। बट ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क, लेकिन उसको अपना काम पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करता, लाइक यानी पसंद करना, एंड डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता था, हिज वर्क यानी काम। He got bored, वो बेजार हो गया या उब गया। One day he thought of playing a trick on the villagers. One day, एक दिन, he thought, उसने सोचा, क्या सोचा, playing a trick, trick यानी चाल, play यानी खेलना। एक दिन उसने सोचा चाल खेलने का, किसके साथ, ऑन द विलेजर्स, गांव वालों के साथ, विलेजर्स यानी गांव वालों। ही स्टूड अप एंड क्राइड लाउडली। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड क्राइड चिल्लाया, लाउडली जोर से। Wolf, a wolf is eating the sheep. Wolf, a wolf is eating the sheep. भेड़िया, एक भेड़िया शेर को, भेड़ को खा रहा है, is eating खा रहा है। Sheep यानी भेड़, wolf यानी भेड़िया। All the villagers came running, सारे गांव वाले, all यानी सारे, विलेजेस आगे मैंने लिख दिया है, गांव वाले, केम रनिंग दौड़ते हुए आए, कम मने आना और रन मने दौड़ना, तो केम रनिंग यानी दौड़ते हुए आए। बट दे डिड नॉट सी एनी वुल्फ, लेकिन उन लोगों ने कोई भेड़िया नहीं देखा, दे यानी
गांव वाले डिड नॉट सी, नहीं देखा कोई, एनी यानी कोई, वुल्फ यानी भेड़िया। वेयर इज द वुल्फ, उन लोगों ने सवाल किया, भेड़िया कहाँ है, वेयर यानी कहाँ, वेयर इज द वुल्फ यानी भेड़िया, इज यानी है, वेयर यानी कहाँ। क्राइड द विलेजर्स, गांव वालों ने चिल्लाया। द बॉय लाफ्ड लाउडली, वो लड़का जोर से हंसा, हंसा लाफ्ड यानी हंसा, लाउडली यानी जोर से। देयर इज नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं है, नो यानी नहीं, इज यानी है, और ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, देयर इज नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं है। आई जस्ट प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, मैंने तुम लोगों के साथ एक चाल खेली, प्लेड यानी खेला, ट्रिक यानी चाल, ऑन यू, मैंने तुम लोगों के साथ एक चाल खेला। द विलेजर्स वर एंग्री, गांव वाले बहुत गुस्सा थे, एंग्री यानी गुस्सा। डोंट प्ले सच ट्रिक्स अगेन, ऐसा चाल दोबारा मत खेलना, सच यानी ऐसा, प्ले यानी खेलना, डोंट यानी नहीं खेलना, ठीक है, ट्रिक्स यानी चाल, अगेन यानी दोबारा। सिली बॉय, बेवकूफ लड़के, दे सेड, उन लोगों ने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन क्राइड लाउडली, वो दोबारा चिल्लाया जोर से, चिल्लाया जोर से, वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज ईटिंग द शीप, भेड़िया भेड़ को खा रहा है, उसने जोर जोर से चिल्लाया। द विलेजर्स केम रनिंग, गांव वाले दौड़ते हुए आए, एट वंस यानी फौरन, बट दे डिड नॉट सी अ वुल्फ, लेकिन उन लोगों ने कोई भेड़िया नहीं देखा, सो इसलिए दे येल्ड एट हिम, इसलिए वो लोग चिल्लाए, येल्ड बने चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाए एट हिम, उस पर, अगेन फिर से, एंड वेंट अवे, और चले गए। फॉलोइंग डे, फिर अगले दिन, द बॉय हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, लड़के ने एक अजीब आवाज सुनी, स्ट्रेंज यानी अजीब, नॉइज यानी शोर, हर्ड यानी सुनी या सुना, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ग्राउल, ग्राउल की आवाज सुनी यानी गरजने की, ग्राउल यानी गरजना या गुर्राना। ही टर्न अराउंड, वो पीछे पलटा, टर्न अराउंड पीछे पलटा, एंड व्हाट डिड ही सी, और वो क्या देखता है, अ वुल्फ, एक भेड़िया, अ बिग फियर्स वुल्फ, एक बड़ा खतरनाक भेड़िया, फियर्स यानी खतरनाक। द बॉय स्क्रीम्ड, लड़का चिल्लाया, लड़का चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, प्लीज यानी मेहरबानी करके। बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया, नो वन यानी कोई नहीं, द विलेजर्स थॉट, गांव वाले ने सोचा, दैट ही वॉज प्लेइंग ट्रिक्स अगेन, के वो फिर से चाल खेल रहा है। द वुल्फ टुक अवे मेनी शीप, और भेड़िया ले गया बहुत सारे भेड़ को,
मेनी यानी बहुत सारे, तू कवे ले गया। द नॉटी बॉय हैड लर्नड हिज लेसन, वो बदमाश लड़का उसने अपना सबक सीखा। हैड लर्नड यानी सीखा था, लर्नड यानी सीखा था। हिज लेसन अपना सबक। He did not play tricks on anyone again. He did not play, उसने नहीं खेला चाल on anyone again. उसने दोबारा, फिर दोबारा और उसने किसी पर वैसा चाल नहीं खेला। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा। शुक्रिया।